मैं सोचती थी कि मैंने दिल से तुमसे माफी मांगी है तो शायद तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन महज वो सिर्फ मेरी सोच ही थी। नहीं फरवा, ऐसे मत सोचो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नेगेटिव नहीं है, यकीन करो मेरा। यकीन ही तो नहीं रहा। सारा को तुम हमेशा गिफ्ट्स देते हो, फरवा को नहीं। आज उसे नई गाड़ी लेके दी है और फरवा को? एक बात तो है कि जितनी मोहब्बत मैं सारा से करता हूँ, उतनी फरवा से कभी नहीं कर सकता। कैसे करूँ मोहब्बत? बाबा, कल आपको मेरे साथ स्कूल जाना है। बेटा, आप अपनी मामा के साथ चले जाओ। नहीं बाबा, मुझे आपके साथ जाना है। अच्छा, तो मामा पहले भी तो जाती थी ना? नहीं बाबा, आज आप जाओगे। मैं ऑफिस में बहुत बिजी हूँ बेटा, कल। नहीं बाबा, मुझे लेकिन आपके साथ ही जाना है। बात को मानो ना बेटा, मैं बिजी हूँ ऑफिस में। ठीक है, कोई भी नहीं जाए। अब मम्मा तो बिल्कुल भी नहीं। इसको क्या हुआ? बाबा, जोहा मम्मा से नाराज है और वो उनसे बात भी नहीं कर रही। पता है क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आपने इनके साथ मिलके मेरे खिलाफ महाज बना लिया, इसलिए। मारिया, ये सिर्फ तुम्हारी अपनी सोच है, इस सोच से बाहर निकालो खुद को। पहले आप, आपकी माँ और आपकी बहन मेरे खिलाफ थे, अब मेरे बच्चों को भी मेरे खिलाफ कर दिया है। मारिया, शट अप। चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। मैं अपने बच्चों को उनकी मां के खिलाफ करूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गई हो तुम? सब मेरे खिलाफ है, सब मिले हुए हो तुम लोग, मिलके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। I hate you, mama. I hate you. I don't love you. I'm sick of you, mama. Sick of you. I hate you. क्या हो गया बेटा? क्या हो गया तुम्हें? हाँ? बाबा चले आते, मुझे नहीं रहना, चले आते बाबू प्लीज। अच्छा अच्छा, चलते हैं चलते हैं। इधर आओ तुम। माँ, उधर को क्या हो गया? बदतमीज हो गई है ये, इसके बाप के लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसे। पहले तो ऐसी नहीं थी, अब क्या हो गया इसे? लोगों की बातें सुन सुन के ऐसी हुई है। मम्मा, जब आप सबसे लड़ना छोड़ देंगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। ये तुमसे किसने कहा? जोहा ने, और वो कहती है कि जब आप सबसे लड़ेंगी तो उसका भी दिल करेगा सबसे लड़ने का। जाया से। सोच रही होगी कि मैंने सिर्फ सारा को गाड़ी क्यों गिफ्ट की है। मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? अगर तुम भी मेरी बीवी हो। ओ, तो इसका ख्याल है। हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए भी नई गाड़ी बुक करवा दी है। कल तुम्हें तुम्हारी नई गाड़ी मिल जाएगी। क्यों, क्यों बुक करवाई आपने? मैंने गाड़ी नहीं चाहिए। नहीं तो फिर क्या चाहिए बताओ? घर चाहिए। घर है तो सही, मेरा अपना घर जिसकी मैं मालिक हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों, आप सारा को भी तो अपना घर दिला रहे?
उस वक्त हालात कुछ और थे, मसाइल थे, इस घर में से कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब तो अम्मा जान इस बात की इजाजत कभी नहीं देंगी, और साथ साथ में सबकी जाने, कोई साथ को यहां से नहीं जाने देगा। जिंदगी में कभी आपसे कुछ भी नहीं मांगा कभी, आज पहली और आखिरी ख्वाहिश कर रही हूं, इसके बाद कभी कुछ नहीं लिया, बहुत अच्छा था। केक खाया? वाओ, कितनी अच्छी ब्रेसलेट है, डायमंड की लग रही है। हाँ, फवाद ने वादा किया था एनिवर्सरी पे डायमंड देगा तो इसलिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी तरह बहुत प्यारी है, और तुम दोनों का कपल तो है ही आइडियल यार। थैंक यू सो मच परवा, बस अल्लाह का शुक्र। खाओ ना बेटा, जल्दी करो। ये क्या हंस कर रहे? बाबा जल्दी करें, पीटीएम का टाइम हो रहा है, चलो स्कूल का लेट हो रहा है। सुबह बहुत ज्यादा अपसेट हो गई, ये सब तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया वकार? तुमने इन बच्चों के जहनों पर अपने रवैये की सख्ती को नक्श कर दिया। सोचो, अगर तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हारे ना रहे, क्या रहेगा तुम्हारे पास? Thank you.
क्या बात है फवाद, सब ठीक तो है? आप चेहरे से बहुत परेशान लग रहे हैं। एक अजीब सी कश्मकश में हूं। कैसी उलझन फवाद? मैंने फरवा को उसकी गाड़ी के बारे में बताया तो उसने गाड़ी के बजाय एक अलग घर की फरमाइश कर दी है। घर क्यों फवाद, इतना बड़ा घर है तो? मैंने भी उसे यही समझाने की कोशिश की है मगर वो यही इशारा करी है कि उसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश समझकर इसे जरूर पूरा करो। क्या? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, फरवा को इतना बड़ा घर खरीदना क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर उसकी क्या प्लानिंग है। कैसी प्लानिंग? तुम क्या समझती हो, तुमसे ताल्लुकात ठीक करके उसकी फितरत बदल जाएगी? नेचर नेवर चेंजेस। प्लीज फवाद, मैं इतनी नेगेटिव बातें सोच करना अपने आप को उसके लिए बदगुमान नहीं करना चाहती। घर का मसला है ना तो आप अम्मा जान से डिस्कस करें और ले दें उसे। अम्मा जान कभी नहीं मानेंगे। ये तो है। बताओ मैं क्या करूं, मुझे उसे घर लेकर देना चाहिए कि नहीं? मैं क्या कह सकती हूँ फवाद, आपकी आपकी जो मर्जी। तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, तुम क्या कहती हो उस बारे में? फवाद, इस पे मुझे कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगती। अगर आपने मुझे गाड़ी लेके दी है तो आप उसको घर लेके भी दे सकते हैं। वो भी आपकी बीवी है, उसका भी आप पर हक है और जिस तरह वो खुश हो आई थिंक आपको मानना चाहिए। मैं चेंज करके आती हूँ, आप नाश्ते की टेबल पे जाएं। अम्मा जान को बुलाओ, को नाश्ते में इंतजार कर रहे हैं। फवाद भाई, शाम को जरा घर जल्दी आ जाइएगा। क्यों? यार मैं इसको हिना को शॉपिंग पे लेके जा रहा था तो मैंने सोचा सब चले जाते हैं, थोड़ी इंजॉयमेंट हो जाएगी इसी बहाने। और ये सारा भाभी से ट्रीट भी तो लेनी है मैंने नई गाड़ी की। मैंने तो गाड़ी अभी तक देखी भी नहीं है सर। शोरूम पे आ गई है, आज घर आ जाएगी। ले भाई बस डन हो गए। और एक और शर्त है, गाड़ी सिर्फ सारा भाभी चलाएंगी। मैं नहीं गाड़ी चलाऊंगी अभी नहीं सर, किसी और दिन प्लीज। अभी भाभी परसों हमने चले जाना है, फ्लाइट है हमारी। नहीं जल्दी जा रहे हो तुम लोग तो? और अब और कितने दिन रहने, इतने दिन रहे तो लिए। बस अब डन हो गया, कल और परसों हमारी आउटिंग है। कुछ भी नहीं सुनना मुझे, ट्रीट चाहिए। Enjoy करना। ठीक है मैं आ जाऊंगा जल्दी। और भाभी मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी, आप लोगों ने मुझे मिलने आना है। बिल्कुल आऊंगी। काम पे नहीं जाना है आज? जाहिद को कॉल कर रहा हूँ कब से लेकिन कॉल नहीं उठा रहा। हाँ जाहिद, हाँ वो बताओ मैं आ जाऊँ काम पर ही आप? अच्छा ठीक है।
उसकी अम्मा की तबीयत ठीक हो गई है, वो काम पर खुद जाएगा आज। तू घर बैठ के हड़ हराम ही करेगा, बगैर पैसों के कब तक गुजारा होगा? कल भी जो पैसे ला के दिए थे सब्जी वाले का आधा उधार दिया मैंने। माँ मैं क्या करूँ, मारे सामने कॉल की ना, काम के लिए कॉल की थी ना मैंने। पड़ गई मेरी। तो और क्या करूं, जिसने घर चलाना होता है ना वो इसी तरह से बोलता है। मम बताओ मैं क्या करूं, अब काम ढूंढ रहा हूं लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा, और क्या सड़क पे जाके भीख मांगू मैं? यही हालात रहे ना तो एक दिन हम लोग सड़कों पे भीख ही मांग रहे होंगे। वैसे मां मुझसे ना कहो, जो तुम्हारी बेटी है ना जो महल में बैठी हुई ऐश कर रही है, एक वो है और एक हम यहां पर। ये खबरदार उसको इल्जाम मत देना, बहुत कुछ किया उसने हमारे लिए। अब अगर वो हमारी नहीं सुन रही तो उसमें हमारा ही कसूर है, उसका कसूर नहीं है। मतलब मेरे लिए इसका इंतजाम करते हैं। हेलो, आज डीलर ने एक रेस्टोरेंट के बारे में बताया, प्लानिंग है, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। क्या तुम वाकई चाहती हो कि वो रेस्टोरेंट सलमान जैसे बेतबार इंसान के हवाले कर दिया जाए? बहुत ही अहमकाना फैसला होगा। मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर फवाद किसी की हेल्प करने का ये मकसद नहीं है कि आप अपने हाथ पाँव काट के उसको दे दें। आप उसको शेयरिंग पे रखें और उसको बोले कि मेहनत करें, और जो भी परसेंटेज हो आप दोनों हाफ हाफ रखें। अच्छा, तो तुमने ये प्लान कर रखा है? जी बिल्कुल, ताकि उसे भी अंदाजा हो ना कि मेहनत करके ही सिला मिलता है। अच्छा ठीक है, तुम खुद सलमान को सब कुछ समझा देना और उसे बताना कि मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे फोर्स करने पर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बता दूँ। वकार, आप बच्चों को घर ड्रॉप करके बाहर से ही चले गए, खैरियत है? हाँ जी, मुझे ऑफिस जल्दी मीटिंग में पहुंचना था इसलिए। अच्छा, मीटिंग कैसी रही? दोनों की बहुत शिकायतें मिली हैं, खास तौर पे जोहा की। लैक ऑफ अटेंशन, टीचर्स एंड फेलोज के साथ बदतमीजी, बात बात पे इरिटेट होकर जवाब देना। जामिन फिर भी ठीक है लेकिन जोहा के लिए तो उसकी टीचर ने कहा है किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाएं। ओ, मैं उसे क्या जवाब देता कि ये क्यों डिस्टर्ब है? अच्छा मारिया, फोन रखो, सामने ट्रैफिक सार्जेंट है, बहुत ट्रैफिक है, मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है मीटिंग में, मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, ऑफिस। फरवा को उसकी नई गाड़ी का बताया? लेकिन फरवा को गाड़ी नहीं चाहिए। क्या मतलब? फरवा को घर चाहिए। अपना घर। तुम
क्या ये बाबा, क्या जीती तो ठोटा था। परवा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी होती है शाद को देखकर और अपने पास रख के। है ना शाद, होती है ना? अरे अम्मा जान, ये तो ऐसी ऐसी हरकतें करता है ना कि बंदा वैसे ही हंस पड़ता है। कहते हैं ना कि बच्चों से ही घर में रौनक आती है, और अल्लाह का शुक्र है ये छोटी सी रौनक हमारे घर में आ गई है ना, आई ना। ओ क्या बाबा, अम्मी क्या मेला बाबा। अम्मी हाँ बेटा। मैं जरा काम से जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आती हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, वो ड्राइवर होगा बाहर। नहीं, ड्राइवर के साथ ही जा रही मैं, आती हूँ। क्या क्या वैसे अम्मा जान, ये सारा आजकल कुछ ज्यादा ही जरूरी काम से नहीं जाने लगी, और बताती भी नहीं है कि कहाँ जाना है, और ड्राइवर के लिए भी मना कर दिया, कहती है कैब से आ जाऊंगी। ऐसा भी क्या जरूरी काम है इसको? होगा कोई काम, शक करना जरूरी तो नहीं। नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रही हूँ। है ना? हेलो, मेरा बच्चा है ना जोहा, मामा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब जोहा कोई गंदी हरकत करती है तो मामा उसे माफ़ कर देती है ना? तो मामा को भी जोहा माफ़ कर देगी ना इस बार? प्लीज़ सॉरी मामा, प्रॉमिस करें। अब आप किसी से भी नहीं लड़ेंगी ना? आई प्रॉमिस, मैं नहीं लड़ूंगी, ना बाबा से, ना पप्पू से, ना नानी से, ना सारा आंटी से, किसी से भी नहीं। ओके okay? और क्योंकि आपने मुझे माफ कर दिया, इसलिए मैं आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। योर फेवरेट बॉय रॉय। मजे का उम्मा, आप जो आज कर ली बेटा। मामा मुझे भी खिलाना। आ जाओ बैठो, दोनों को खिलाती हूँ मैं आज खान। मामा बहुत टेस्टी है। जॉन थैंक यू सो मच, आई लव यू, मामा लव्स यू। क्या है ये गरम पानी? तो बर्फ नहीं है तो क्या करूं, कहां से लाऊं ठंडा पानी? फटीचर फ्रिज भी खराब हो गया अपना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बैठे सलमान, आप बैठे प्लीज। हाँ बैठो सलमान। आंटी ये खुशखबरी है मेरे पास। मैंने फवाद को राजी कर लिया है, वो एक रेस्टोरेंट खरीद रहे हैं सलमान के लिए। क्या वाकई फवाद भाई ने मेरे लिए रेस्टोरेंट खरीदा? हाँ वो मान नहीं रहे थे, और सलमान मैंने बहुत मुश्किलों से उन्हें मनाया है। वो पूरा तुम्हारा नहीं है, नाम फवाद के नाम पे, बट उसका 50% शेयर तुम्हें मिलेगा। बात नहीं, अभी आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपने बहुत बड़ा एहसान किया हम पर।
मैं वादा करता हूँ कि मैं दिल लगा कर काम करूँगा। मेरे भाई बस तुम दयानतदारी से वहाँ काम करना, शर्मिंदा नहीं करोगे ना मुझे? नहीं नहीं, बहुत मेहनत करेगा और कोई रास्ता भी नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट है आंटी आपसे, आप प्लीज़ फरवा से इस बात का जिक्र मत करिएगा। उसको लगेगा कि मैं कोई एहसान कर रही हूँ आप लोगों पे, लेकिन मैं बहुत दिल से, मेरी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। रिश्तेदार हैं आप लोग मेरे, मेरा फर्ज बनता है मैं आप लोगों के काम आऊँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सारा, तुमने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, भला तुम्हारा भला करे। बहुत शुक्रिया आंटी। बस सलमान, ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है अपनी ज़िंदगी संवारने का, है ना, दयानतदारी से काम करना। जी आप ही, मैं समझ गया, ईमानदारी से लगा कर काम करूँगा। मुझे भरोसा है तुम पर, कल इंशाल्लाह फवाद वहाँ पहुँच जाएंगे, मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तुम आ जाना, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है ना, चले आंटी मैं चलती हूँ। नहीं बैठे कुछ नहीं, खा कर मैं चलूँ, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। मुझे तो सोने तुम्हारी कितनी अच्छी है सारा। माँ फरवापी को मत बताना इसे। थोड़ा शाह और मेरा बच्चा। अरे वाह, लगता है घर का माहौल बहुत खुशगवार है आज। बाबा मम्मा और जोहा की कट्टी खत्म हो गई और उनकी दोस्ती हो गई है। That's a very good news. इस बात पे तो ट्रीट होनी चाहिए ना? हाँ ये ट्रीट ही तो है, इतना स्पेशल खाना बनाया आप सबका फेवरेट। आए? मैं बस फ्रेश होके आता हूँ। मैं भूल जाऊँगा कल हिना को और सऊद को जो है वो सी ऑफ करने जाना है, तुम भी याद रखना। नहीं भूलती। पर मेरी रिक्वेस्ट है हिना को भी इसी तरह अच्छे तरीके से रुखसत करना। Don't worry. मैं आता हूँ चेंज करके। आपको डाल के दूँ? हाँ? थोड़ी से। ये कैसे ड्रेस है? अच्छा है ना? हाँ ये बहुत अच्छा है। फरवा अच्छा है ना ये? हाँ अच्छा लग रहा है। ये पैक कर दें। अब एक नहीं दो पैक कर दें। नो मैम, हमारे पास ये लास्ट पीस था। तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और देख सकती। फरवा तुम ये ले लो। नहीं ये सूट तुम्हें पहनना चाहिए, फवाद की चॉइस का है तो तुम पहनो, मैं कुछ और देख लेती हूँ। नहीं नहीं आप फिर रहने दें, हमें दो ही चाहिए। नहीं नहीं ये आप पैक कर दें इनको, मैं तो अपनी मर्जी से ही पहनती हूँ ना कपड़े, तुम फवाद की चॉइस से कपड़े पहनती हो, इनको दे दीजिए। तुम बताओ कैसे इंसाफ करूँ तुम लोगों। अच्छा कोई नहीं, टेंशन नहीं रहे, मैं कुछ और ले लेती हूँ, कुछ और पसंद कर लेना। इधर आ जाओ, देखती इधर आ जाओ। बस 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 बेबी बस बस बस, इसका फीडर बना के ले आओ और सुनो मेरी फोन से स्कीमा को कॉल करो, देखो ये लोग कब वापस आ रहे हैं, क्या हाल बना रखा है। बस 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 अभी आ रही, अभी आ रही, ओए मिलो बच्चो, ओए मिलो बच्चो, ओ मिलो बच्चो, अभी आ रही। बस बाबा बस बस बस, ये लो खाना आ गया, चलो इसको पको। मेरे सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है, मैं अपनी गोलियां लाती हूँ। क्या कह रही थी, कुछ बात की? जी मैंने अभी भाभी को फोन किया, वो लोग बस रास्ते में आ रहे हैं। आ रहे आ रहे हैं। चलो 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 खाना खाना खाना, मैं भी आती हूँ। रोते नहीं है साथ? रोते नहीं है बेटा मीना साथ। शुक्र है भाभी। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ?
भाभी बहुत रो रहा था, बहुत परेशान किया इसने अम्मा जान और मुझे, मैं भी बहुत घबरा गई थी। आप प्लीज आइंदा इस तरह छोड़ के ना जाइएगा। क्या हो गया, बातें क्यों सुना रही हो मुझे? मैं कहाँ छोड़कर जाती हूँ उसे, पहली मरतबा गई हूँ तो खुद दिल इतना अजीब हो रहा था। मीना क्या हुआ, परवा अपसेट लग रही थी? भाभी वो साथ ने बहुत परेशान किया हुआ था। अच्छा, और अम्मा जान ठीक है? जी उनके सर में बहुत दर्द था, कमरे में अपने। चलो मैं जाती हूँ अम्मा जान के पास जी। और हाँ, गाड़ी में से सामान निकलवा लो। फरवा को उसकी नई गाड़ी का बताया? लेकिन फरवा को गाड़ी नहीं चाहिए। क्या मतलब? फरवा को घर चाहिए। अपना घर। क्या अचानक उसे घर की क्या जरूरत पड़ गई? उसकी डिमांड है, मैं क्या कह सकता हूं। उसका दिमाग ठीक है, ये घर है तो सही। वो तो ये कह रही है कि अगर मैं सारा को अलग घर खरीद कर दे रहा था तो उसे क्यों नहीं। तब बात और थी। अब आप ही बताएं कैसे करूं दोनों में इंसाफ। और हमेशा की तरह फैसला मचाना आपको ही करना होगा। इतना बड़ा घर है तो सही, किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर उसे क्या चाहिए? फरमाइश छोटे या बड़े घर की नहीं है, अपने अलग घर की है। क्या वो घर लेके अलग होना चाहती है साद, और तुम्हें हमसे दूर करना चाहती है? फवाद मैं ये नहीं होने दूंगी। अगर ये नहीं होगा तो वो अपसेट हो जाएगी। तो तुम क्या चाहती हो? अम्मा जान, फवाद हम में से कोई भी साथ के बगैर नहीं रहना चाहता। कहीं वो साथ को इस घर से ना ले जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि फवाद उसको एक घर दे दे, लेकिन शर्त ये रखे कि वो हमारे साथ ही रहेगी। सारा ठीक कह रही है, तुम उसे घर ले दो, लेकिन इस शर्त पर कि वो यहां से नहीं जाएगी। समझ रहे? Thank you. You're welcome. Happy birthday. हमारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है जो कि कल शोरूम से घर पहुंच जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी गिफ्ट किया है। वाह। मैं हमेशा फवाद की जिंदगी में और उसके घर में सेकंड ही रहूंगी, हर जगह हर वक्त। सारा की परछाई मेरी जात पर हावी हो रही है, मुझे नहीं जीनी ऐसी जिंदगी। मीना, सऊद और हिना से कहो नाश्ते पे आ जाएं, देर हो रही है, एयरपोर्ट भी जाना है। जी मीना, वो पास कर देना।
पहले नाश्ता तो करके जाओ। नहीं मैं नाश्ता सुबह कर लिया था, बस निकलते हैं अब, लेट हो जाएंगे। मीना सामान रखवा दें ड्राइवर से कह के। थोड़ी देर तो बैठो, इसे खैरियत से जाना, अल्लाह के मान। थैंक यू बेटा। सऊद अपने बच्चे के साथ ये जिंदगी का जो सफर है ना, बहुत मोहब्बत और खुशी से गुजारना। बेटा इस रिश्ते को बहुत हौसले और बर्दाश्त के साथ गुजारना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, और आपस में कम्युनिकेशन जरूरी रहे, बहुत जरूरी है। जिद और नाराजगी ने कभी कोई मसला नहीं हल किया, और तुम अगर इसको कुछ भी समझाना है तो प्यार और नरमी से, समझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं मुझे तो लग रहा था आप आएंगी नहीं सी ऑफ करने। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ना आऊं? हाँ अब सारी नाराजगियां खत्म है। अरे वाह, स्टे द सेम। ओके आई विल। और ये तुम लोगों के लिए कुछ गिफ्ट है हमारी तरफ से, ये लो। भाभी इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, अब मैं सारी नाराजगियां बुला चुकी हूँ, तुम भी अपना दिल साफ कर लो। ओके तुम सबको इतना खुश देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है, हमें चलना चाहिए अब। हाँ निकल, हम भी चलते हैं एयरपोर्ट छोड़ने आप लोगों को। नई जगह है। आ जाए, मैं सामान और रखवाता हूँ। अजमत फवाद, वो आपसे पूछना था कि आप कब मुझे मेरा घर लेकर दे रहे हैं? बहुत जल्द। रियली? प्रॉपर्टी डीलर ने कुछ घर निकाले हैं, जैसे कोई बेहतर घर नजर आएगा तुम्हें भी दिखा दूंगा। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू फवाद, अल्लाह हाफिज़।